ओए ओए, दशहरा आने वाला है, तुम्हें याद है? तो हाँ, हर साल ही आता है, इसमें क्या नई बात है? वही तो। अरे नई बात कुछ नहीं है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बार दशहरे की प्लानिंग क्या है? क्या प्लानिंग करनी है? हर साल अपने पैसों से रावण खरीद के लाओ और फिर उसमें आग लगा दो। बिल्कुल सही कह रही है। अरे भाई, ऐसा लगता है अपने पैसों को ना खुद ही आग लगा रहे हम। यार पैसों में क्या आग लगानी होती है, दशहरे पे रावण का दहन तो करना ही होता है, और ये सब तो हम अपने मजे के लिए करते हैं, शौक पूरे करते हैं हम तो अपने, तो इसमें पैसे में आग लगाना क्या हुआ? और इस बार तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 मंजिल का रावण लाएंगे, पूरा बड़ा। 3 मंजिला रावण? बात तो ठीक है, पर पैसे कहाँ से लाएगा? भाई पैसे तो हो जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लेंगे, हो जाएंगे। और इस बार बम पटाके भी ज्यादा लगा देंगे रावण में, ताकि और मजा आए। इकट्ठा कर लेंगे? ओ भाई, हमारे पास ना ठन्नी चवन्नी, मेरे पास नहीं है पैसे। मेरे पास हम मजे कर लेंगे तेरे पैसे। हाँ, हम मजे कर लेंगे, और वैसे भी रावण सिर्फ देखना ही तो होता है, जलते हुए देख लेंगे। ओ, ना ना ना, मेरे पास भी नहीं है। अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो मैं अकेला क्यों लगाऊं? हाँ तो मतलब अपने घर बैठ फिर। और क्या, हाथ पे हाथ धर ले। बैठा रहे। मेरे पैसों से ही मौज काटनी है इन्हें बस। पर यार ऐसे तो दशहरा फीका फीका सा चला जाएगा, कुछ मजा ही नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर रावण फ्री में मिल जाए तो? क्या बात कर रहा है, रावण वो भी फ्री में? तो हमें दिक्कत क्या है, ओके है? हाँ हाँ, फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मिल तो सकता है। वेट अ मिनट, अरे भाई कहीं तो वो तो नहीं सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? भाई मैं वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है। ताजी ताजी हवा, वाओ कितनी अच्छी ग्रीनरी है, सो ब्यूटीफुल। स्विमिंग पूल? नहीं 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 नहीं, वैसे कौन सी जगह है ये, कहाँ गए हम? हाँ, हम आए हैं हमारे गांव, यानी मेरे दादा के गांव। मेरे दादा परदादा यहीं रहते थे सब। तो रावण यहाँ रहता है क्या, जो फ्री में मिल जाएगा हमें जलाने के लिए? क्या मतलब तेरे दादा रावण थे? हमारे दादा रावण थे? ओए सुमित, तूने हमें बताया क्यों नहीं हमारे दादा रावण थे? तूने बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं तूने? अबे ओ भाई कंट्रोल यार। अरे अपने दादा रावण कैसे हो सकते हैं? अगर अपने दादा रावण होते तो हर साल थोड़ी ना चलाते, और इनको थोड़ी ना चलाने देते। बेवकूफ गधा, नॉनसेंस इडियट कहीं का। पॉइंट तो है, तो आए क्यों है यहाँ पे हम? सही कह रहे। अरे हम गांव में रावण बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। वो तो है, बनाएंगे हाथ से बनाएंगे यार, वो उसे तो बनाएंगे नहीं। और वो भी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में। वो कैसे? फ्री में रावण? हाँ तू सटिया गया है क्या? बिना पैसों के रावण कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? अबे रावण बनाने के बल्ली चाहिए, कोई बंदा अपने कंधों पे रख के ले जा रहा होगा यूं। हे 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 हे, अबे ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई तू भी वही सोच रहा है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? अरे भाई बल्ली तो मिलेगी, आगे कर रहा है ये बता। भाई आगे का आगे जाके सोचेंगे ना, पहले इसको तो लेके चल, वरना वो पीछे आता ही होगा। हाँ चल चल चल। भाई अरे रावण के लिए हम बल्ले तो ले आए, रावण बनाने के लिए और क्या क्या सामान लगेगा ये तो बता दे। और सामान? भाई देख, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले क्या जरूरी होता है? खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इस लड़की को अभी के अभी IAS घोषित कर दिया जाए। इधर आज के बाद बीच में बोल मत जाइए, चुपचाप खड़ी रह। ऐसी मनुष बातें करेंगे? सबसे जरूरी होती है मीटिंग, मीटिंग करनी पड़ती है पहले, और ग्रामीण भाषा में बोले तो पंचायत। पंचायत। तो अब रावण बनाने के लिए हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो उसके लिए लिस्ट बना लो। लाओ पेपर पेन। अबे यार कृत्या, तू गांव में आ रखी है, गांव में कॉपी और पेन नहीं चलता।
गांव में ये रहा पेन और ये रही कॉपी, अभी बना देंगे लिस्ट। बना बना। तो सबसे पहले नंबर पे बल्ली। बल्ली। हाँ तो अब दूसरे नंबर पे और क्या जरूरत पड़ेगी? घास फूस। घास फूस, घास फूस। नंबर तीन कपड़े लत्ते। रावण के लिए कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना, नंगा थोड़ी जलाएंगे। सही बात है। अरे बुरा मान जाएगा नंगा जलाएंगे तो, पर बाद में नंगा तो ही जाएगा जलाने के बाद। सेम सेम सेम। ए, ए, चुप करो। नंबर चार पे बताओ, रावण का मुंह भी तो बनाना है। ओ, पर मुंह बनेगा किससे यार? मटकी। ओ नाइस, हां यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो। पांचवे नंबर पे और क्या रह गया यार? सोच रहा हूँ उसके बारे में, सोच रहे हैं। पटाका, जो मैं हूँ। हाँ यार, पटाखे कहाँ से आएंगे, और वो भी फ्री में, पैसे लगेंगे ना उसके लिए तो। हाँ, रावण के लिए तो पटाखे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यार, जब फटते हैं ना फुंफा फुंफा फुंफा। वो मेरे पे छोड़ दो पटाखे। अब ग्राम पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि अगर हम एक साथ इस सामान को लेने जाएंगे ना एक एक, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरे हिसाब से तो दशहरा भी निकल जाएगा। फिर रावण क्या खाक जलाएंगे दशहरे के बाद? हाँ, तो दशहरे पे जलाना चाहते हो ना रावण? हाँ सही बोल रहे। तो सामान लाना पड़ेगा अकेले अकेले को, एक एक सामान। और क्या, और एक दो तीन चार पांच सामान है, और हम एक दो तीन चार पांच बंदे हैं। हम पांच बंदे हैं, एक एक सामान लेके आएंगे। हाँ तो सबसे पहला सामान बल्ली। ये तो आ भी गई। हाँ बल्ली आ गई, डन। तो तू बता तू क्या लेके आएगा इनमें से? मैं लाऊंगा घास फूस, संचित घास फूस। ओए तू बता पवित्रा क्या लाएगी? मैं लाऊंगी मटका। मटका, मटकी ने मटकी की बात कर दी। तू बता क्या लाएगी? मैं लाऊंगी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न का क्या करेगी तू? देखो जब रावण जल रहा होगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे तो पेट में भूख लग जाएगी, भूख लगेगी तो कुछ खाने चाहिए ना, तो पॉपकॉर्न। इतनी मन बुद्धि है यार ये। तू घर जा, तू निकल यहाँ से, तू निकल। नहीं नहीं, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है। तुझे कंट्रीब्यूशन करना है? हाँ। सचमुच करना है? हाँ तो फिर तू, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू कपड़े लेके आएगी, ठीक है? कपड़े? पर मेरे कपड़े रावण को कैसे फिटाएंगे? भाई तू भाग के फेंक दूँ क्या? देख देख देख, तू मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ठीक है? तेरे कपड़े नहीं आ सकते रावण को, हमें भी पता है, तेरे कपड़ों से रावण का मुंह भी ना ढका जाए। तू एक काम करियो, गांव में कोई बड़ा सा दानव सा आदमी ढूंढियो, जो खुले खुले कपड़े पहनता हो, लंबा ठाड़ा तगड़ा, हाँ तो उसके कपड़े मांग लाइयो, ठीक है? इतना सा काम है। ठीक है, हो जाएगा। डन, कपड़े डन। अब बचे हैं आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण और बेहद कीमती चीज, बिल्कुल पटाखे। अब दो भाई, दोनों ही हम तबाही, हम लेके आएंगे पटाखे। किसको? बम की बात कर रहा हूँ। तो अब ग्राम पंचायत की मीटिंग खत्म, अब फटाफट से अपना अपना सामान लेके यही मिलते हैं, ठीक है? देखते हैं कौन जल्दी जल्दी इकट्ठा करता है सामान। मैं करूंगा। हाँ तो निकलो, चलो चलो। अरे जाओ, इनविटेशन कार्ड दूंगा तेरे को। भाई क्या लगता है ये चपड़ गंजू ले आएंगे सामान इकट्ठा करके? अबे इनकी छोड़, ये तो कहीं ना कहीं से ले भी आएंगे। अबे हम क्या करेंगे, हम लड़की कहाँ से लेके आएंगे? लड़की? तूने बोला ना पटाखे। अबे पटाखे, बम बम। अच्छा बम बोला क्या रहेगा, दिवाली वाले? हाँ वो कहाँ से लेके आएंगे यार, पैसे भी नहीं है। अबे पैसा तो चाहिए नहीं ना, फ्री में जो बनाना है। पटाखे फ्री में, चल करते हैं कुछ जुगाड़। मतलब ऐसे इमीडिएटली सोचे हैं, मगर सोच लेंगे। यार वैसे रावण का उड़न खटोला मुझे इतना मजा आया था, उड़ उड़ के देखते। ओए संजीत। ओए क्या है? अबे क्या कर रहा है तू, मिला नहीं तेरे को घास फूस अभी तक? नहीं यार, सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। अरे यार, अबे तू ना कृत्य से भी गया गुजरा है, तेरे बस के कुछ नहीं है। यार एक बात बता, तू दशहरा जाने के बाद रावण बनाएगा क्या, फिर चलाएगा है? तो यार तुम ही बता दो ना, कहाँ मिलेगी घास फूस? हम बता दे,
बता दूं क्या डिग्रो भाई? हाँ बता दे बता दे। तेरे अगल बगल में ही तो है घास फूस। अगल बगल अगल बगल। अबे ये वाला अगल बगल नहीं, इसको समझाना यार। कहाँ देख रहे तू है? वो देख उधर, वो देख वो रहा। ये घास फूस है। अरे वो नहीं है घास फूस, गांव वाले उसके अंदर छुपा के रखते हैं घास फूस, पता क्यों? ताकि उसको सेफ रख सके, दशहरा आने पे उसको बाहर निकाले और अच्छा सा रावण बना के जला सके। और हाँ, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को भागना है और सीधे इसके अंदर टक्कर मारनी है और घास फूस ढूंढ के निकालनी है। अगर जब भी ना मिले ना, पूरा खोद दियो पर लेके आनी है। समझ गया। तेरे अंदर दशहरा मनाने का जज्बा है? हाँ। रावण जलाने का है? हाँ। तो चल मेरे शेर, कर दे चढ़ाई, कर दे खुदाई। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। अबे भाई जा के नहा ले। कहाँ पर? अबे वही तेरा स्विमिंग पूल, जा। हाँ वरना घुसा घुसा के पागल हो जाएगा उसमें। ठीक है ठीक है। कैसा सोए? अबे भाई अभी तो और मजे बाकी है। चल इसके देसी स्विमिंग पूल में चलते हैं। चल 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 चल। गंगा बोल के गंदे नाले में कुदा दिया बे। अबे नाले में कुदा दिया, यही तो प्लान था बे। चल भाई छोड़, अब चलते सामान ढूंढने के लिए, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। सही कह रहा है, अब इसका भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। क्यों? सामान? अरे वो घास फूस बोल रहा हूँ। अच्छा चल 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 चल। लंबा आदमी, दानव जैसा शरीर और खुले खुले कपड़े, परफेक्ट रावण। इससे मांगती हूँ कपड़े। राम प्यारी, ओ मेरी राम प्यारी, तू जल्दी से बड़ी हो जा और दूध देने लग जा, तेरे दूध बेच बेच के मैं अमीर हो जाऊंगा। राम राम। हाँ अंकल, वो आपके नए कपड़े चाहिए थे। मेरे कपड़े? पागल हो गए क्या तू? अंकल वो हम ना रावण बना रहे हैं, तो हमारे रावण के लिए ना आपके कपड़े एकदम परफेक्ट रहेंगे, इसलिए। रावण के लिए मेरे कपड़े? मैं तुझे रावण दिखता हूँ, करो गुद्दीलाल। अरे अरे अंकल आप तो गलत समझ रहे हो, आप रावण थोड़ी हो, आप तो महापुरुष हो, महापुरुष, इसलिए आपके कपड़े चाहिए हमें अपने रावण के लिए। ये वाले कपड़े नहीं, आपके कोई भी कपड़े चलेंगे, फटे पुराने पहले के। अच्छा चल ठीक है, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। काम? क्या काम अंकल? मैं कर दूंगी, बस कपड़े दे देना। मेरी राम प्यारी को पानी पिला के लाना पड़ेगा। ठीक है अंकल, पिला दूंगी। अंकल आपके राम प्यारे को तो नहीं, पर बैल को पानी जरूर पिला सकती हूँ मैं। बैल को? हाँ चल ठीक है। चल बैल चल चल, क्यों नहीं ना? अरे चल। सॉरी अंकल।
मैं तुझे बताता हूँ। अबे यार ये कृत्या इतनी बेवकूफ है क्या? भाई मुझे नहीं पता था। यार सारा मूड खराब कर दिया, अब मेरे को लगता है इसका काम भी हमें ही करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार। चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के स्पीड मर है कर ले जल्दी से मिस्टेक बेटा। क्या यार बोल तो दिया कि मटका मैं लेके आऊंगी, लेकिन मटका लाऊं कहां से? चारों तरफ तो यहाँ खेती खेत हैं, जिधर देख रही हूँ उधर ही खेत, कहां से लूं मटका? ओए एक घर तो दिखा है, इस घर में चलती हूँ, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा इसके अंदर, जाके पूछती हूँ कोई ना कोई तो दे ही देगा। यहाँ तो कोई है ही नहीं। मटका यानी रावण का सर। सही है, मुझे तो मटका मिल गया और मेरा टास्क कंप्लीट। लेके निकल लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ कोई है भी नहीं, जल्दी जाती हूँ। मटका रावण का सर। सही है, इसमें तो अच्छा बड़ा बनेगा रावण का सर। इससे पहले कोई आए मैं निकल लेती हूँ। अरे के फोड़ दिया यो। भाई इनसे ना हो पाएगा। बिल्कुल, लगता है मटके का जुगाड़ भी हमें ही करना पड़ेगा। चल अरे भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अरे इतनी ऊपर गया कैसे? अरे कौन है? अरे ये घास फूस। अच्छा, अरे गांव वाले ना छुपा के रखते इसको यहाँ। अच्छा छुपा के रखते है, तो इसका मतलब समझा भाई तू। क्या? ये घास फूस कितना कीमती होगा कि गांव वालों को छुपा के रखना पड़ रहा है। बात तो सही है। बात तो सही है, तो सोच के रहा, चढ़ जा जा। चढ़ता हूँ। और अरे पागल है क्या, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, गिर गया तो मैं क्यों चढ़ूं? हम दोनों में से लंबा कौन? मैं। जा लंबे को जाना होता है क्या? बिल्कुल, तू ऐसे पकड़ लेगा ना उसको ऊपर से। हाँ बात तो सही है, चढ़ चढ़ ऊपर चढ़। देख ये टांग यूं यूं, और ये वाली भी यूं ऐसे ऊपर को, और यूं पकड़ के ऊपर। एक काम कर तू ही आजा। ना ठीक है, तू कर तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फालतू ज्ञान मत दे और आराम से करियो, हड्डी वड्डी टूटनी चाहिए। अरे भाई मिली क्या? भाई मिली तो हुई है, लेकिन ये निकली नहीं। ये कौन चला गया? इधर देख, इधर इधर इधर। ओए तू ऊपर कैसे आया? भाई सीट गिरी साइड में, मैं नजर पड़ी लगाई और ऊपर आ गया बस। अबे सॉरी, अगर सीढ़ी थी तो मेरे को ऐसे क्यों चढ़ाया ऊपर? अब मजे भी तो ले लेती। चलो उतार उतार रहा हूँ, तू भी उतर जा। भाई आवाई रावण का सिर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
अभी हुई मुझका वो मेरे को लगा हम पानी पीने के लिए आए हैं। हैं हैं पानी भी अबे मंद बुद्धि अरे तू मटका देख एकदम परफेक्ट रावण का सिर क्या है तो सही रहा है तू राजा जी भाई मटके का जुगाड़ तो हो गया और क्या चाहिए ये बताओ भाई अभी तो बहुत सारा सामान बाकी है और उसके बाद मीटिंग भी तो बैठानी है तेरा भाई सरपंच बना है पंचायत का तो जिम्मेदारियां हैं बिल्कुल भाई बिल्कुल चले फिर चल 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 एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार कुछ भी अबे गधो मैं सामान गिन रहा हूँ और पांच इसके नीचे है क्या पटाखे बम हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन जो पांचों सामान है हम ले आए और तुम तीनों में से कोई भी एक भी सामान लेके नहीं आया शर्म करो थोड़ी हाँ हम तो भाई तबाही हाँ पर भाई कोशिश तो पूरी करी थी लाने की कोशिश गई भाड़ में अब मजदूरी करियो तो देखो ग्राम पंचायत जो है अपनी वो इस निर्णय पे पहुंची है दो भाइयों ने पूरा सामान इकट्ठा किया अब बाकी के बचे तीन लोग वो तीन लोग मिलके पूरा रावण बनाएंगे पूरा रावण हाँ तुम मना कर रहे देखो हाँ। मना करके देखो तुम हाँ कह रहा हूँ मैं तो हाँ हाँ बनाएगा ना ठीक है कर ले तो तुम तीनों अभी बनाओ मजदूरों काम पे लग जाओ चलो मालिक चलो चलो मैं भी तो मालिक हूँ मालिक बोलना मालिक चलो पकड़ इसको ध्यान से करना मजदूरी तभी मिलेगी दिहाड़ी मन तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इन दोनों का मेरा मन कर रहा है यही मटका उठा के दोनों के मुंह पे मार दूं वैसे कभी कभार मजदूरी कर लेनी चाहिए तू कर ले कर 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 चल लोग तो मुझसे कांपे मैं शैतानों में शैतान दानव हूं मैं तो बलवान विद्या माया का वरदान सटकेला माया विद्या से धनवान कसाकर तीसरा सर है चौथा सर करता है वो शमशान लगता है रावण बन गया बन गया क्या बना है लो भी हो गया तुम्हारा रावण तैयार कैसा लगा बताओ बताओ कैसी लगी हमारी मेहनत कैसा लगा अबे क्या आग दिया तुमने हाँ क्या टट्टी रावण बनाया ये चलो वो सब तो ठीक है जो बनाया पर इसका ये एक पैर कहाँ है लंगड़ा है लंगड़ा दिखा रहा लंगड़ा रावण चल ठीक है ना भाई भाग नहीं पाएगा बात तो है सीता माँ को उठा ही नहीं पाएगा अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं चला लेंगे काम अब जैसा बना दिया अब कर भी क्या सकते हैं लेकिन इसको जलाएंगे कहाँ मुझे पता है कहाँ कहाँ यहाँ जलाएंगे रावण देखो ना चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है मजा आएगा चल कोई नहीं भाई इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते हैं खुश हो जाएगी हाँ अब रात के 12 बजे आएंगे ठीक है दशहरा शुरू होने के बाद फिर जलाएंगे रावण को चलो चलो अब निकलो चलो चलो रावण तो काफी अच्छा बना है अब 12 बजने के बाद दशहरा शुरू और फिर रावण का दहन करेंगे कितना मजा आएगा नहातों से भाई एक्साइटमेंट रुक नहीं रही मेरी पॉपकॉर्न मैंने सुबह खाए थे तू बोले तो अभी निकाल के आऊं चीज वाले मिलेंगे नो आई डोंट लाइक चीज तू ही खा ले ठीक है खाली पॉपकॉर्न निकाले खा लियो खाएगी नहीं अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं सोच रहे हैं 12 बजे तक वेट करें मैं क्यों करूं मैं तो पहले ही कर दूंगी देन
और नहीं तो क्या, मेहनत तो सारी मैंने की है। हाँ, आए बड़े। ये डीकरो और सुमित ना अपने आप को ज्यादा तेज समझते हैं। ये मुझे रावण का दहन नहीं करने देंगे, लेकिन मैं इनसे एक कदम आगे हूँ। 12 बजे से पहले ही रावण का दहन कर दूंगा, क्योंकि मेहनत तो मैंने करी है ना सारी। इन सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, ये लोग मुझे बिल्कुल रावण का दहन नहीं करने देंगे, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं कितनी तेज हूँ। 12 बजने से पहले ही रावण का दहन कर दूंगी, आखिरकार सारी मेहनत तो मैंने ही करी है। ओए टिकरो, तुझे क्या लगता है, इनके मन में खोट है? अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल खोट है। अच्छा भाई, तो आज इनका खोट ही निकालते है ना। अरे टेंशन ना ले, खोट छोड़, आज तो इनका ही दहन कर देंगे। वैसे मैं क्या कह रहा था, जब तक 12 नहीं बजते जब तक नींद पूरी कर लेते हैं। बात तो सही है, सही रहेगा ना, नींद पूरी होगी तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, फिर रावण को अच्छे से दहन कर पाएंगे। हाँ, वैसे की नींद बहुत आ रही है। चलो चलो फिर सो जाते हैं। चलो भाई, हमारा शक सही निकला। देखा कितने चलाक निकले। रावण तो ये तीनों के तीनों हैं। तो दहन भी तो इन तीनों को करेंगे। चल ना फिर। चल। चल, 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 चल। देखो भाई। हाँ भाई। मन में खोट। और पैर की मोच, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी इंसान को। बिल्कुल, और इनको तो कभी भी नहीं। ओए कृत्या, ये कृत्या। हाँ चलते। रावण का सबसे पहले दहन तो मैं ही करूंगी, ताकि ये लोग ना जला ही ना पाए रावण। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जलाने की? लड़की। सॉरी सॉरी भाई। लड़की, मेरा दहन करने से पहले अपने अंदर के रावण को जला। हाँ, और अगर ऐसा नहीं कर सकती, भाग जाए ऐसे। रावण में भूत, रावण में से तो आवाज आ रही है, मम्मी। एक तो गई, अब देखते हैं कौन सा मुर्गा आता है। मेहनत तो सारी मैंने करी थी, और जलाएंगे ये, तो ये आए उससे पहले मैं ही जला देती हूँ इसे। ओ, ये तो मुर्गी आई है। ए मोटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जलाने की? हाँ, जल्दी से भाग जा मोटी, वरना अभी खा जाऊंगा, 10 मुंह है मेरे। और तेरा तो मांस भी मोटा होगा। ये बोलता भी है क्या? भूत आ गए मम्मी इसमें तो। दूसरी भी गई। रावण का दहन तो मैं ही करूंगा। ये तो लाइटर लेके आया है। ओ भाई, कहीं ये जला ना दे। अरे ओए, कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जलाने की? ओए इधर उधर क्या देख रहा है? इधर मैं ही बोल रहा हूँ, रावण स्वयं, रावण बोल रहे हैं। जल्दी से इस लाइटर को लेके भाग जा, वरना इसी लाइटर से तुझे जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, भस्म। रावण जिंदा हो गया, रावण जिंदा हो गया। ले भाई, ये तो जिंदगी में कभी रावण ना जलाएं अब। बिल्कुल भाई, पर रावण जलाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, मौज करेंगे हम। आजा मेरा, चल भाई, रावण का दहन करके मजा याद आएगा तो। बिल्कुल भाई। क्यों क्यों? हाँ अरे बोलो, मत बोलने दे। अबे तुम साइलेंट मोड पे क्यों हो? अरे कोई नहीं, रावण का दहन करके ये भी खिलखिला जाएंगे। बिल्कुल भाई, हंसेंगे। ए तुम तीनों यहाँ क्यों रुक गए? चलो ना। तुम लोग जाओ रावण जलाने, मुझे नहीं जलाना है। हाँ, मैं क्या करूंगी जलाकर, तुम सब जाओ जाओ। हाँ? मैं भी क्या ही करूंगा, तुम ही जाओ, तुम ही जाओ। हाँ?
अरे यार तुम तीनों कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें रावण नहीं जलाना। अरे सारी मेहनत तो तुमने ही करी है। और क्या, हम तो चाय पी रहे थे। ना ना कहता, हम तो सो रहे थे। अरे कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ तुम ही लोग करो उसका दहन, है। खैर कोई बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हम दोनों लेके तैयार है। चल कोई नहीं भाई, हम जला लेंगे। साथ तो आ जाओ, देख लेना दूर से। हाँ हाँ देख लेना रावण का दहन कैसे होता है। क्यों भाई? और क्या भाई? मजा आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से। जय श्री राम, जय श्री राम। लो भाई, रावण का तो दहन कर दिया हमने। कैसा लग रहा? देखो सही है, सही है। हाँ बहुत अच्छा। वैसे तुम डर के रहे इतना? ये देख रहे भाई। हाँ यार, हमने आग थोड़ी कम लगाई थी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई? सही है ना, रावण के 10 मुंह थे और 10 जले होंगे। हाँ सही कह रही है, मे बी पॉसिबल। हाँ मेरी फसल। अबे भाई, अबे लंगोट उठाओ और भाग। अबे 10 मुंह नहीं जले, ये फसल जल गई। भाग ले भाई, लगोट उठा के।